हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब पति लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आती है, कोई अच्छी जजमेंट आती है, तो पति लोग वाकई में बहुत खुश होते हैं कि उनके हक में भी कोई जजमेंट आई है, कोई फैसला उनके हक में भी आया है। तो आज की ये जो वीडियो है, खासकर उन पति लोगों के लिए जिनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं और वो वेट करते रहते हैं कि उनके हक में जो है कोई जजमेंट आए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो जजमेंट लेके आया हूँ वो हाल ही की जजमेंट है, लगभग 2022 की ही जजमेंट है। तो क्या है पूरे जजमेंट के फैक्ट, जजमेंट में क्या है खास, इन सभी के बारे में आज मैं बात करूंगा रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के जजमेंट में क्या था कि यहाँ पर जो पति ने अपने ज्यूरिडिक्शन अपने एरिया में एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है। पत्नी जब कोर्ट में पेश हुई तो पत्नी ने कोर्ट में पेश होकर सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन लगा दी कि उसको जो लिटिगेशन जो एक्सपेंसेस है वो मिलते रहे। कुछ समय के बाद पत्नी ने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई। पत्नी को काफी दूर से आना पड़ता है क्योंकि पत्नी जो थी वो इटावा की थी और पत्नी को औरैया आना पड़ता था। तो पत्नी ने साथ में ये भी कहा कि रास्ते में उसको जान का भी खतरा है, तो उसका जो केस है वो ट्रांसफर किया जाए। साथ में पत्नी ने ये भी बताया कि पत्नी ने अपने इटावा में ऑलरेडी 125 CRPC और DV एक्ट का केस फाइल कर रखा है। तो पति ने यहाँ पर हरास करने के लिए अपनी पत्नी को औरैया में जो है वो डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने यहाँ पर पूरे फैक्ट देखे, पूरी बातें देखी और कोर्ट ने यहाँ पर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट का हवाला लिया और कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि पत्नी को ऑलरेडी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन के तहत उसे जो लिटिगेशन एक्सपेंसिस है वो पत्नी को मिल रहे हैं, और जहाँ पर पत्नी कह रही है कि उस जान का खतरा है हरियाणा में, तो कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो पत्नी है वो इटावा के SSP को एक एप्लीकेशन दे सकती है कि उस जगह का खतरा है, और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी साथ में वो लगा सकती है। तो इस प्रकार कोर्ट ने जो पत्नी की ट्रांसफर की एप्लीकेशन थी उसे नामंजूर कर दी, उसे नहीं माना। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है पति के हक में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पत्नियां कई बार क्या होती है, पति पर केस कर देती है और पति को दूर दूर तक कोर्ट में पेश होना जाना पड़ता है। कई कई बार तो जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जैसे भी ऊपर का डिस्टेंस होता है। तो पति यहाँ पर काफी परेशान भी कई बार हो जाता है कि पति की यहाँ पर कोई गलती भी नहीं होती है, उससे जो है नजायज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, काफी काफी दूर से ट्रेवल कर करके जाना पड़ता है। तो ये जो फैसला है काफी अच्छा फैसला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये फैसला आपको कैसा लगता है। जो जजमेंट का लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो वैसे बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।